हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने IAS की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। सबसे अधिक गर्म, सबसे अधिक ठंडा, सबसे अधिक क्रॉप में देखेंगे कहाँ कौन सा क्रॉप सबसे अधिक हो रहा है, कहाँ सबसे कम हो रहा है, छोटा जिला कौन सा है, बड़ा जिला कौन सा है, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा है 1, 2, 3, कम पॉपुलेशन के हिसाब से 1, 2, 3, डेंसिटी के हिसाब से ऊपर से लेकर 1, 2, 3, नीचे से फिर 1, 2, 3, ठीक है, क्लियर। तो एवरीथिंग जो है आपको 1, 2, 3 करके याद करना है, चौथा ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। इसीलिए 1, 2, 3 हमेशा याद रखना है, टॉप ऊपर से 1, 2, 3, नीचे से 1, 2, 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, कोई भी बुक्स अगर आप लेते हैं तो स्टार्टिंग में आपका बिहार एट ए ग्लांस है, बिहार एक परिचय करके जो आता है उसी में आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम नहीं कहेंगे, 4-5 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स का जो बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से लगभग जो है 30-40 क्वेश्चन रिपीट होगा, मैं पहले बता देता हूँ, इसलिए बाद में नहीं लगेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, कैसे पूछा है। तो क्वेश्चन रिपीट भी इसमें होने की पूरी संभावना है, क्वेश्चन रिपीट होगा। बुक्स जो है, मैंने पहले भी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि बुक्स का सिलेक्शन करते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बुक्स जो है सबसे अच्छी हो सकती है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के लिए, चूँकि ये दोनों ही बुक्स जो है, ये भी ग्राउंड वाली भी इंग्लिश में आती है और ये तो हिंदी में ही आती है, इंग्लिश में नहीं आती है, ठीक है। तो ये दो बुक्स है, इंतजार समय की एक और क्राउन पब्लिकेशन की। एक दूसरी बुक्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, यह बुक्स आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो ये है बिहार समग्र का, ठीक है। बिहार समग्र में ये दोनों ही लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। तो अगर तीनों बुक्स की बात करेंगे तो सबसे अच्छी बुक्स जो है वो ये बुक्स है, जो अभी स्टार्ट नहीं किए होंगे पढ़ना वो लोग वहाँ से पढ़ लेंगे। देखिए ये किताब जो है, ये बिहार समग्र वाली किताब है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम की किताब है, हिंदी मीडियम की भी किताब है, कंटेंट्स जो है सब में सेम है, क्लियर। तो आपको इसके हिसाब से अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि जैसे हम आपको हमेशा बताते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। अब आपके मन में दुविधा होगी कि मैंने तो क्राउन की पब्लिकेशन पिछले बार अटेम्प्ट लिया था, दे दिया या पढ़ लिया। इम्तियाज अहमद सर की दो बुक्स है, एक बुक्स है ऑब्जेक्टिव, दूसरी बुक्स है डिस्क्रिप्टिव, तो दोनों बुक्स हमने पढ़ी है या आपके फ्रेंड ने पढ़ी है। लास्ट टाइम की तरह फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा कि ये तीन बुक्स ही आपको देखनी है, लेकिन तीनों बुक्स अकेले नहीं देखनी, एटलीस्ट जो है तीन आपके फ्रेंड होंगे जो अलग अलग बुक्स को देखेंगे। अगर आप समग्र बिहार समग्र पढ़ रहे हैं तो दूसरे जो स्टूडेंट है वो आपको इम्तियाज अहमद पढ़ेंगे और तीसरा जो है वो पढ़ेंगे क्राउन पब्लिकेशन। तीनों को पढ़ने के बाद तीनों एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। एक्सचेंज करने के बाद आपको पढ़नी है, ओके। उसके बाद क्या करना है कि अपने जो भी आप बुक्स पढ़े हैं वापस आप ले लेना है अपने पास, आपके पास आ जानी चाहिए वापस। उसके बाद जो है पढ़ाई का पैटर्न ये होगा कि बिहार स्पेशल की तैयारी करते समय आपको पीयर लर्निंग करनी पड़ेगी, एक ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा आप पूछताछ करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा, फैक्चुअली जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हर बुक्स में अलग अलग होती है, इसीलिए मैं तीन बुक रेकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन एक व्यक्ति तीन बुक एक कैंडिडेट ना पढ़े, वो अलग एक्सचेंज कर लिया करे, ठीक है। और जो भी फैक्ट है हर बुक्स में अलग अलग फैक्ट है, सब याद करना है, सब फैक्ट रहेगा वहाँ पे जो फैक्ट आएगा वो करेंगे। लेकिन एक साथ में ये भी है कि अगर बिहार बजट अगर करते हैं, बजट से संबंधित कुछ इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन आता है, या बिहार का जो सर्वे है इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, तो उसमें जो फैक्ट दिया है उसी को मान्य किया जाता है और उसी को देखना है। अब जो है आप देखेंगे बिहार का सर्वे भी एक मोटी किताब है, बिहार का बजट भी एक बड़ा सा है, उसको कंसाइज किया गया है इस बुक्स में, लास्ट में दिया हुआ है कि सर्वे में क्या क्या पढ़ना है और बजट में क्या पढ़ना है। जैसे देखेंगे कि बिहार के बजट में सबसे अधिक किस पे खर्च किया जाता है तो एजुकेशन पे किया जाता है, लगभग 22%, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन हो सकता है। उसी तरीके से बिहार का जो है अभी तो कि सेंसस हुआ नहीं है, 21 में होना चाहिए था, वो सेंसस जो है अभी नहीं हुआ है, इसलिए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछे जाएंगे और बिहार के सेंसस का प्रश्न आएगा, भले वो ओल्ड हो गया है लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से, जब पॉपुलेशन आप सेंसस पढ़ेंगे तो उसमें पॉपुलेशन ही नहीं पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के साथ डेंसिटी पढ़ते हैं,
आप उसका लिटरेसी रेट कहाँ पे कितना परसेंटेज वगैरह है वो पढ़ते हैं, आप जो है सेक्स रेशियो लिंगानुपात पढ़ते हैं, यानी कि उससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं 2011 के अकॉर्डिंग वो न केवल बिहार के परिप्रेक्ष्य में बल्कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है आप भारत के भी कंप्लीट कर पाएंगे बिहार भी, लेकिन इससे क्वेश्चन 100% दो तीन क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए याद रखिएगा कि आपको संसद को पूरा करना है। तो ये बुक्स जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अब जो है हम चैप्टर वाइज बढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर महत्वपूर्ण है कि कौन सा चैप्टर जो है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पहला वाला जो है आप देखेंगे बिहार एट ए ग्लांस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहां से जो है आपको कम से कम जो है इस सेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये सेक्शन आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्ट एंशियंट हिस्ट्री, उसमें भी जो है पहले वाला को छोड़ दीजिए, सेकेंड वाला छोड़ दीजिए, आपको मैंने बताया थे जैनिज्म बुद्धिज्म चूंकि आपको यहाँ से जुड़ा हुआ है इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्री मौर्यन छोड़ दीजिए, लेकिन मगध का जो उत्कर्ष है इमरजेंस ऑफ मगधा जो है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। आप जानते हैं विदर्भ से लेकर हरियंक वंश वगैरह जो भी है इसमें भी स्पेशली जो हजार शत्रु बिम्बिसार महापद्म नंद नंद ये से यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन उससे पूछा जाएगा, ठीक है, शिशुनाग नाग वंश जो भी है और मौर्यन पीरियड में भी है स्पेशली जो है अशोका चंद्रगुप्त मौर्य आर्क आर्किटेक्ट जो है उसका देखना है, ठीक है, बाकी जो है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि अगर इस पीरियड को अच्छे से करेंगे तो आपका हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आप अगर सपोज डैट हिस्ट्री के जो मैंने चैप्टर बताए थे पिछले क्लास में उसको अगर करते हैं तो आपका बिहार का हिस्ट्री रेडी है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री ही बिहार की ही शुरू होती है, बिहार का ही मैक्सिमम एरिया जो है, इसीलिए इस सेक्शन को आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। सेकेंड जो है पेज की तरफ चलते हैं, ये कंटेंट्स आप लोगों को बताते हैं कि कहाँ से आप लोगों को उसमें देखना है। तो इसमें तुर्की रूलर से लेके सब है, इसमें इन सबको छोड़ना है, इग्नोर करना है। क्वेश्चन जो है फिर से आपका क्वेश्चन जो अगर आपका पूछा जाएगा तो मैंने जो आपको शासक बताए थे 5-6 शासक, जैसे आप देखेंगे कि इसमें आपका केवल जो है एवक आएगा, तुर्की जो रूलर का हुआ है वो सब छोड़ देना है, ठीक है ना। फिर खिलजी वाला में जो है अलाउद्दीन खिलजी आएगा, तुगलक में 2 आएगा, MBT आएगा और FST आएगा, ठीक है, उसमें उतना ही देखना है। उज्जैनी डायनेस्टी ये सब छोड़ देना है, बाकी जो है एक पाल डायनेस्टी जो है यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है, पाल डायनेस्टी आपको पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि वो बिहार से जुड़ा हुआ है इसलिए पाल वंश जो है आपको शुरू में ही आया होगा अर्ली अराइवल में, तो पाल वंश जो है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे जो है उज्जैनी है नुहानी है ना ये सब छोड़ देना है, लेकिन एक शेरशाह जो है अफगानी वाला उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है मुगल एम्पायर में देखेंगे, मैंने जो शासक बताए थे पिछली बार उसी तरह से अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब और क्या क्या पढ़ना है भी बता चुके थे, तो वो जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा सेक्शन आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन एक चैप्टर जो है ये बहुत जरूरी है बिहार के हिसाब से, सिखिज्म जो है बिहार सिख का जो है बिहार में आप जानते हैं 10वें गुरु का जन्म स्थान है, तो प्रथम से लेकर 10वें में जो महत्वपूर्ण चीज़ें रही है उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। मॉडर्न में जाएंगे तो मॉडर्न में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मॉडर्न जब भी आप पढ़ेंगे तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें हुई है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लिया असहयोग आंदोलन में कौन कौन नेता थे और कहाँ कहाँ इफेक्टेड था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहाँ कहाँ थे कौन कौन नेता थे, क्विक इंडिया मूवमेंट में क्वेश्चन 100% दो को बिहार से जुड़ा जाएगा, ये कौन कौन सा सेंटर था, ठीक है ना, समानांतर सरकारें कहाँ कहाँ बिहार में बनी थी, तो वो जो क्वेश्चन है वो क्विट इंडिया मूवमेंट का क्वेश्चन जो है उसमें आएगा, ठीक है। बट इसमें जो है चूंकि लोकल लेवल पे आप लोगों को देखना है तो यूरोपियन ट्रेडर्स इन बिहार बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट इन बिहार जो है आउटकम्स बैटल ऑफ बक्सर ये पढ़ना, बक्सर और बक्सर है तो पलासी तो चूंकि है नहीं तो इसलिए पलासी का भी छोड़ देते हैं, बक्सर देख लेंगे। उसके बाद सन्यासी पढ़ना है, यहाँ के बहुत सारे लोग इसमें रहे हैं, और उसके बाद डिसकंटेंट ऑफ द लोकल किंग छोड़ दीजिए, रिलेशनशिप विथ नेपाल नेपाल छोड़ दीजिए, नूनिया रिवॉल्ट जो है वो भी छोड़िए, ट्राइबल जो है उसमें देखिए क्या है। ट्राइबल वाले में आप लोग जो है हमेशा कन्फ्यूज कर जाते हैं कि ट्राइबल वाले में कौन सा होगा,
देखिए इसमें जो है थाल रिवोल्ट हो सकता है आए ना आए, लेकिन ये सारे के सारे को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, ये जब जो भी रिवोल्ट है। बट स्पेशली अगर आप देखेंगे तो एक कोल विद्रोह है, ठीक है, उसके बाद देखेंगे संथाल है, मुंडा है, ठीक है, तिलका मांझी सबको पता ही है, उनके नाम से पड़ा था, दो उनके दो लोग थे उसमें, हो रिवोल्ट भी आता है कभी नहीं आता है, भूमिज आता है, ठीक है, सरदारी छोड़ दीजिए, ताना भगत, ये वो एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे इस सारे जो सारे रिवोल्ट है वो सभी रिवोल्ट को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है बिहार रोल्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 to 1947, उसमें भी स्पेशली जो है ये आपका एरिया जो है 1857 वाला, जिससे जो है हमेशा एक क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह को कभी ये लोग इग्नोर नहीं करते हैं, रेडी रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहावी मूवमेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये देख लेना है। और बाकी जो है बिहार झारखंड ट्राइबल मूवमेंट जो मैंने ऊपर बताए थे, ट्राइबल मूवमेंट में भी स्पेशली जो है तीन ध्यान रखना है, एक तो संथाल है, उसके बाद आपका बिरसा मुंडा है, और तिलका मांझी वाला जो है, ठीक है, तो ये तीन के अलावे बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देना। अर्ली कांग्रेस डे में बिल्कुल छोड़ देना है, नथिंग। उसके बाद जो इसमें देखेंगे कि होम रूल्स मूवमेंट इंडिया, ये थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह आपको जानना है, क्योंकि इस तो पूरी तरह से बिहार से जुड़ा हुआ है, चंपारण सत्याग्रह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेक्शन है जिससे कि आप लोगों को करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, खिलाफत मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें देखिए क्या होता है कि ये सब नहीं आएगा, फर्स्ट ये सब आपका नहीं आएगा, ये केवल जो है सिविल डिसोबीडियंस, और ऊपर जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा, क्यूट इंडिया मूवमेंट होगा, ठीक है, रामगढ़ कांग्रेस छोड़ दीजिए, फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री, हाँ ये जरूर रखना है कि बिहार में सबसे पहला जो है कांग्रेस का सम्मेलन जो होता है उसमें पहला कौन सा हो, पता है आप लोगों को, हाँ बाकीपुर, तो उस तरह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो ये आपको देखना है क्यूट इंडिया मूवमेंट से एक से दो क्वेश्चन की यहाँ भी पॉसिबिलिटी रहती है, ओके। फिर कैबिनेट मिशन है वो देखना है, डायरेक्ट एक्शन मैंने कल ही बताया था, ये एक स्पेशल ये आपको जरूरी है, वीमेन ऑफ बिहार इन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, ठीक है ना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है चूंकि आपको पता है अस्थाई भी बिहारी और अस्थाई भी बिहारी, इसीलिए नाम आप लोग को पता ही है, सचिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद सिंह, तो ये इसीलिए एक क्वेश्चन का चांस रहता है कि वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आर्ट वाला में देखिए पाल है, मौर्या है, मेराइवल आर्किटेक्ट चूंकि हिस्ट्री में भी आप लोगों को पढ़ना है इसलिए उसको देख लीजिएगा, मधुबनी पेंटिंग्स में नाम वगैरह स्पेशली इस बार जो है पद्मश्री मिला है ना, हाँ वो सब याद रखना है। मंजूसा कला कहाँ है, भागलपुर, जो भागलपुर एरिया के जानते होंगे वो उसके अलावा जो है तंग का ये सब पेंटिंग छोड़ सकते हैं, इतने सारे एरियाज को आप लोग कवर कर लीजिए। ये हिस्ट्री का पूरा पोर्शन था 1947 से लेकर, एक एरिया जो है आपका ज्योग्राफी की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर से मैं आपको याद कराऊंगा कि जो मैं कल बता रहा था आप लोगों को, ये वाला एरिया लिटरेचर प्रेस मैगजीन ऑफ बिहार, ठीक है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है, और आर्कियोलॉजिकल साइट्स में भी जो पढ़ लेना चाहिए, नियोलिथिक फेज पता ही है, नियोलिथिक का दो तीन साइट है, चिरांद भी है, चेचर भी है, ठीक है ना, हाँ उसी तरीके से जो है आपको बाद के जो कुछ साइट्स हैं उसको देख लेना है, तो छोटा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा। ज्योग्राफी में क्या है कि ज्योग्राफी जो है वो उसमें याद रखना है कि फिजिकल ज्योग्राफी पे खास तौर से फोकस होगा बिहार में, फिजिकल ज्योग्राफी में डिवीजन ये नहीं पूछा कितने भाग में विभाजित किया गया ये वो, नहीं कुछ नहीं, खास तौर से क्वेश्चन होगा कहाँ से बिहार से जो नदियाँ हैं जो बिहार में गंगा में स्पेशली मिलती है उत्तर से और दक्षिण से कहाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है, नेपाल में कौन कौन से एरिया से कहाँ कहाँ से निकलती है, सप्तकोशी से लेकर कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा सहित जो भी है करमनासा, और साउथ से जो फल्गु व पुनपुन वगैरह सब, ठीक है, क्लियर, वो रिवर कहाँ मिलती है कहाँ से निकलती है, रिवर से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके जो है क्रॉप्स कौन सा क्रॉप्स कहाँ कहाँ होता है,
जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि चाय का निम्नलिखित में से कहाँ चाय का नहीं होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो डिस्ट्रिक्ट को एलिमिनेट कर देना है जो डिस्ट्रिक्ट प्लेन है, ठीक है, जहाँ पहाड़ी होगा वहाँ चाय होगा, क्लियर है ना। और स्पेशली आपको ध्यान देना है कुछ भी चीज़ें जो होती है ना बॉर्डर एरिया में होता है, दार्जिलिंग और इसके आसपास के एरिया का जो सटा हुआ एरिया है, ठीक है, उसी में होगा, चाहे वो किशनगंज हो, पूर्णिया हो, ये सब एरिया में हो सकता है। वो गलती से भी जो है वैशाली में आके नहीं होगा, मुजफ्फरपुर में नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक जो है क्रॉप्स को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्रॉप्स जो है कहाँ है, धान का कटोरा, बिहार का धान का कटोरा, रोहतास, जैसे क्या होता है कि हम लोग जब जाते हैं सासाराम रोहतास में तो राइस मिल्स बहुत है ना, सबसे अधिक है। तो ये एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे, जैसे पटसन, ठीक है, पटसन देखें कहाँ होता है उसका, हाँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है इंडिया का पटसन। तो वो आपको एक एलिमिनेशन में बता रहा हूँ कि कैसे आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे हो सकता है कहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको बिहार का मैप एकदम माइंड में होना चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाता है, उससे आइडिया आपको यह मिलेगा कि कौन सी नदी जो है, जैसे मान लीजिए पूछा गंडक कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, मिलती है, ठीक है ना, हाजीपुर के पास। तो वो तब पता चलेगा जब आपको याद रहेगा, ये जैसे आएगा तो आपको ललबकिया से होते हुए सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से होते हुए वैशाली तब जाके मिलती है, तो ये आइडिया रहेगा कि अरे यहाँ सीतामढ़ी है तो बीच में वैशाली आने के लिए मुजफ्फरपुर तो क्रॉस करना पड़ेगा उसको, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये एक जो है बिहार का मैप माइंड में होना चाहिए। बिहार के मैप माइंड में होने से आपके फायदे क्या होंगे, ये आपको पता चल जाएगा कि हिमालयन एरिया का या नेपाल से सटा हुआ कौन कौन सा जिला है, एक ये आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जैसे स्मगलिंग का ही पूछेगा कहाँ कहाँ होता है, तो कभी गलती से भी जो है पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर ये सब में नहीं होगा, जब होगा तो वो बॉर्डरिंग वाला में होगा, जैसे वो बेतिया, मोतिहारी, सिवान, छपरा नहीं होगा, फिर गोपालगंज वाला एरिया जो है वो सब एरिया कैसे यूपी से, या पूछेगा यूपी से सटा हुआ कौन सा जिला नहीं है, तब आपको याद करना पड़ेगा कि इधर गोपालगंज से सट रहा है कि नहीं, इधर कौन सा बक्सर से सट रहा है कि नहीं, कौन सा जिला कहाँ सट रहा है, तो पता चलेगा कि बनारस जाते हैं तो कौन कौन डिस्ट्रिक्ट होके जाते हैं। तो पूरा मैप जो है माइंड में होना चाहिए, मैप माइंड में होगा बिहार के ज्योग्राफी का सब क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी कुछ चैप्टर जो है मुझे लगता है कि बता देना चाहिए जहाँ से प्रश्न की संभावना जो है रहेगी, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था मेजर रिवर्स जो है, देखेंगे मेजर्स रिवर जो है, तो यहीं से शुरू करते हैं। मेजर्स रिवर जो है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ और कुछ डैम है वो सब देख लेना है कौन कहाँ पे है, ओके, तो ये आपको देख लेना है। और रिवर जो ड्रेनेज है गंगा में जो है, नॉर्थ, देखिए साउथ, नॉर्थ लिखा है ना, साउथ से या नॉर्थ से, तो एक ये भी क्वेश्चन होता है कि नॉर्थ से कौन मिलती है, साउथ से कौन मिलती है, तो उससे भी अगर रिवर का भी नाम याद रखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि नॉर्थ से कौन मिलता है, साउथ से कौन मिलता है। मैक्सिमम रिवर का नाम जो है ना वो नाम से ही पता चल जाता है कौन किधर होगा, कौन किधर होगा, ठीक है। अगर कोई कहता है कि बिहार का सोख जो है वो कोसी है, और कोसी आप जानते हैं बाढ़ के समय में कहाँ कहाँ कौन कौन जिला में है, तो नॉर्थ में होगा। आपको फल्गु में पता पुनपुन जगह का भी नाम है ना, पुनपुन जगह का आपका जगह का नाम ही रिवर का भी नाम है, तो उससे पुनपुन समझ जाएगा, अच्छा गंगा का दक्षिण दक्षिण में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये रिवर वाला सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैप पे आपको याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का पूरा एरिया है, ठीक है। रिवर वैली प्रोजेक्ट में भी खास कुछ क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ यह है कि जहाँ से डैम है कुछ है, या आप देखेंगे कांबर झील वगैरह है, कहाँ है, किस लिए जाना जाता है ना, कौन सी पक्षी है, क्रेन वगैरह को पक्षी वगैरह आती है, तो उसी तरह से वाटरफॉल, लेक्स और हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये छोड़ दीजिए, सॉइल ऑफ बिहार में जो है सो क्लियर है कि जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे होगी यह पता है आपको, जहाँ भी नदियाँ निकलेगी, जो भी रिवर्स का एरिया होगा, जहाँ काली मिट्टी है वहाँ भी नदी अगर वहाँ से गुजरी है तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी होगी। जैसे अगर मान लें डेक्कन ट्राइब का पूरा एरिया है, गोदावरी का है, कृष्णा का है, लेकिन जैसे उसके बगल का एरिया की बात करेंगे, वो ब्लैक सॉइल होने के बाद भी वहाँ पे लेटराइट मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी,
ये आपको याद रखना है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी है। अब देखेंगे कि हिमालयन परिपादी जो है, परिपात जो होता है उसका जड़ जो होता है, जैसे हिमालय का जो है जड़ के पास, यानी कि हिमालय के जो बिल्कुल सटा हुआ एरिया है वहाँ पे किस तरह की मिट्टी होगी, हाँ तराई मिट्टी, तो उसका नाम से पता चलता है कौन सी मिट्टी कहाँ पे होगी। ठीक है, जैसे साउथ की तरफ जाएंगे, साउथ बिहार में जाएंगे तो किस तरह की मिट्टी मिलती है, खादर बंगर सब तो पता होगा, वो सब तो ठीक है, जलोट का ही होता है, ठीक है उसका तो कोई इशू नहीं है। तो साउथ की तरफ जैसे जाते हैं तो दो तरह की मिट्टी मिलती है, एक तो चट्टान होने के चलते टूटेगा, ठीक है ना, तो आपको इसमें जो है आयरन इस सब की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, लाल मिट्टी तो होगी थोड़ी सी, ठीक है ना, जहाँ भी आप देखेंगे जहाँ पे लाल आयरन होगी वहाँ पे लाल मिट्टी होगी। बलुआई मिट्टी हमेशा जो है वो नदी और आसपास के किनारे, बलुआई मिट्टी का मतलब ये मत समझिए कि जहाँ बालू मिलता है, दोनों में अंतर है, ये बालू जहाँ मिल रहा है नदी के चलते, जहाँ भी सोन नदी ये सब, वो बलुआई नहीं होता है। बलुआई रियली में जो बिल्कुल चिकनी व्हाइट टाइप की चिकनी मिट्टी जो होती है, बिल्कुल छोटे छोटे जो ग्रेवल से बनता है, आप यूँ समझ लीजिए कि गंगा नदी के किनारे जिससे कि लैंड फिलिंग किया जाता है, उस तरह की मिट्टी है उसको कहते हैं, ठीक है, वो गलत मत समझ लीजिए कि दूसरा तरह का। लेकिन ऐसी बहुत सारी मिट्टी है जो कि बिहार में नहीं हो सकती है, कौन सी मिट्टी, हाँ मतलब हो सकता है ना पूछेगा, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, ये सब नहीं होगी, तो ऑप्शन में आते ही आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि ये हटा देना है, ठीक है इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि बिहार की सबसे लंबी जो रिवर ब्रिज है, पुल कौन सी है, ये सबसे लंबी हो गई और सबसे बड़ी कौन सी होगी। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछेगा द लॉन्गेस्ट और पूछेगा द बिगेस्ट, बताइए, देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए आता है क्वेश्चन, ठीक है, जो लंबी है वही बड़ी होगी, दोनों में अंतर नहीं होता है, बट सम टाइम्स हमने किताब में पढ़ लिया है लॉन्गेस्ट और पूछा है बिगेस्ट, इसका मतलब है कुछ ना कुछ दूसरा होगा इसलिए पूछ दिया है। तो ये जो है ज़्यादा लोग पढ़ लेते हैं ना, उनसे मिस्टेक होता है कि लॉन्गेस्ट तो पढ़े हैं बिगेस्ट, या बिगेस्ट पढ़ लिए हैं लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, तो ध्यान आएगा कि चलो राजेंद्र पुल तो है, अच्छा चौड़ा ज़्यादा है तो उससे मिला देते हैं, या नया पुल बन रहा है तो कुछ मिला देते हैं, कोलवर वाला पुल मिला है, एगो पुराना वाला है एगो नया वाला है, दोनों मिलाएंगे तो ये हो जाएगा बिगेस्ट, हो सकता है माइंड कुछ भी कर सकता है, बट हमेशा इन सब बातों को ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट बिगेस्ट, लेकिन दूसरे मैटर में हो सकता है अलग हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट जो है दोनों में महात्मा गांधी सेतु पुल ही आने वाली है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बिगेस्ट रिवर की बात करेगा तो लॉन्गेस्ट हो बिगेस्ट हो बेसिन के हिसाब से गंगा ही आने वाली है, उसमें कोई वो नहीं हो सकती है। सहायक नदी में भी पूछेगा तो सबसे कौन होगी, सोन का क्या है लॉन्गेस्ट, लेकिन यहाँ पे लॉन्गेस्ट बिगेस्ट बदलेगा जी, जो बिल्कुल वहाँ आ रहा है सोन नदी बहुत दूर से आ रही, कितने किलोमीटर है आप लोग याद नहीं किया है, कोसी कहाँ से आ रही, नहीं ये कहाँ से आ रही सोन, अमरकंटक से ना, अमरकंटक से जो है सोनम कपूर आती है, ठीक है, है? सोन नदी नर्मदा और तापती महानदी, सोनम म से महानदी है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने कोट रखा था सोनम, लिख लीजिए अगर नहीं जिनको पता है, अमरकंटक से सोनम, सोनम कपूर, ठीक है, उससे आपको याद रहेगा। लेकिन जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो बिगेस्ट लॉन्गेस्ट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन हर जगह वो फॉर्मूला काम नहीं, क्लाइमेट ऑफ बिहार इसमें जैसे सबसे गर्म जिला सबसे ठंडा जिला ये पूछते रहता है, ठीक है ना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है पूछा जाएगा, क्योंकि एरिया पूछता है, एरिया बढ़ गया है बिहार का जो है फॉरेस्ट एरिया बढ़ गया है। अब ये आपका ज्योग्राफी का मैंने जितना था वो मैंने बता दिया, ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैप पे आधारित जो है आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आते हैं आप पॉलिटिकल सिस्टम्स पे, पॉलिटी बिहार की पॉलिटी की बात करेंगे, तो बाकी आप लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे जो है सो द्विसदनीय व्यवस्था है, उच्च सदन निम्न सदन, यहाँ विधान परिषद विधानसभा दोनों है, ठीक है ना।
ये सब तो आप लोग पढ़े ही हैं, लेकिन अब हम अगर बात करेंगे तो पंचायती राज की थ्री टायर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, क्योंकि इस बार हो रही है इलेक्शन, इसलिए संभावना है एक दो क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन तो हमको जो लगता है पूछेगा कितना फेज में हुआ है, ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आउट ही है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट कब हुआ, आचार संहिता समाप्त 15 दिसंबर को होगा, और कितने फेज में हुआ है, मुझे लगता है क्वेश्चन आना चाहिए, आ जाएगा तो बताइएगा, बाकी तो देख लेंगे। गवर्नर ऑफ बिहार सब जो बाकी स्टेट का वही है, लेकिन इसमें क्या देखना है, पहला कौन गवर्नर, लास्ट तो अभी चल रहे हैं, वर्तमान में कौन, ठीक है। एक और चीज़ होता है कि पूछा जाता है इनमें से कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है कि एक बार लिस्ट ध्यान में रहना चाहिए, गलती से इधर उधर नहीं करना है, लिस्ट एक ध्यान में रहना चाहिए, गवर्नर का भी और सीएम का भी, ठीक है ना। तो ये लिस्ट से केवल, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है कि कैसे नियुक्ति होता है, कौन करता है, ये करता है वो करता है, सब आपको पॉलिटी का पोर्शन है, नहीं उसमें से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सो लिस्ट देखना है दोनों का, क्या है 11वीं 12वीं, वो पूछा होगा, भगवान प्रसाद सिंह आपको पता ही है कि वैशाली से वो हमेशा जो है लोकसभा एमपी रहे हैं, है ना। देखिए इसके लिए आपको सिंपल है कि अभी जो है लोकसभा पहले लास्ट जो हुआ 11वीं हुआ 12वीं हुआ 13वीं हुआ, वो आपको याद रखना, किस समय रहे तो 2 माइनस कीजिएगा, 1 माइनस कीजिएगा, प्लस करिएगा, आपको निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चूँकि वो डेथ भी कर गए रघुवंश प्रसाद सिंह, ग्रामीण मंत्री अच्छे मंत्री रहे हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन वगैरह पूछे, लेकिन 11वीं 12वीं का जो भी है नंबर से गिर के जितना बार हुआ एमपी का इलेक्शन काउंट करिएगा, ठीक है, उसके हिसाब से उसको काउंट कर लीजिए। तो इसमें आपको लिस्ट के हिसाब से पूछा जाएगा, क्लियर है। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का मैंने बता दिया है कि आपको क्रॉप्स के बारे में मेनली पूछा जाएगा, वाटर रिसोर्सेज जो है वो नदी वगैरह जो पढ़ेंगे उसी में आ जाएगा, रोड मैप क्रॉपिंग पैटर्न थोड़ा देख लेना है, ठीक है ना, जो मैं अभी बता रहा था कैसे आप एलिमिनेट करेंगे उसके हिसाब से देखिएगा, क्लियर है ना। एक चीज और आपको बता रहे हैं, क्रॉप जब भी पढ़िएगा 90% ये चांस है कि जो सबसे अधिक जहां क्रॉप हो रहा है सेकेंड उसके बगल वाला होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही तरह का सॉइल एक ही तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, तो उससे भी एक आइडिया मिलेगा कि इसके बाद तो यही होगा, इसके बाद तो यही होगा। ये दूसरा क्या होता है कि जो बड़े जिले हैं उसमें ज्यादा पहले होगा, उसके बाद छोटा जिला जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो और हम लोग के पास तरीका है जिससे कि हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, क्लियर है। जैसे सबसे अधिक पटसन अगर हो रहा है पूर्णिया में, तो उसके बगल वाले जिले में ही दूसरा हुआ, वो गलती से बेतिया उतिया नहीं हो जाएगा, मोतिहारी नहीं हो जाएगा, मुजफ्फरपुर नहीं होगा, ठीक है ना। चाय का भी अगर आपको रखे हैं कि आपका चाय जो है ईस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट में है, किशनगंज में है, तो उसके बगल में ही होगा, किशनगंज अड़िया पूर्णिया में ही होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जब भी पूछा जाएगा नहीं होता, ठीक है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ नहीं होता है, रिया में नहीं होता है, पूर्णिया का कुछ किशनगंज में है, पूर्णिया का थोड़ा सा टॉप एरिया है, दो एरिया है जहाँ पर होता है, तो वो बगल में ही हो रहा है, गलती से भी आपको प्लेन एरिया वगैरह वगैरह में नहीं होगा। तो वो ये क्रॉप का हम नहीं बता रहे, दूसरे क्रॉप का भी हो सकता है, वीट का हो, धान का, जैसे बताया तो धान की अगल बगल जो फर्टाइल लैंड और ये एरिया है जिस एरिया में होता है, जैसे गन्ना का देखेंगे तो गन्ना का जो एरिया है, गन्ना में सबसे अधिक कहाँ होता है, बेतिया पश्चिमी चंपारण में होता है, तो उसके आसपास ही आप देखेंगे कि मोतिहारी और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर इन सब एरिया में ही मैक्सिमम जो है आपको गन्ना का, गलती से गया में नहीं हो सकता है सेकेंड थर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट उसके हिसाब से सूट नहीं करता है। मेरे कहने का सीधा मतलब ये था कि दो तरीके से आप एलिमिनेट करिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बताया, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो ऊपर का जो पोर्शन है बिहार शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन ये बोगस, ये सब क्वेश्चन से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये सब इन सब सेक्शन को छोड़ देना। एक पावर का सेक्टर है जहां से आप देखेंगे कि उसको आप पढ़ लीजिएगा, सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो नहीं पढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप रोड देख लीजिएगा, ठीक है, और एक आपको देखना है वाटर ब्रिज। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, टेली कम्युनिकेशन, पोस्टल नेटवर्क, आईटी सेक्टर ना कुछ नहीं पढ़ना है, ये दो के अलावा कुछ आपको इसमें नहीं देखना है।
इंडस्ट्री वाला में जो है बहुत सारी इंडस्ट्री है, लेकिन आप सब जानते हैं सबसे अधिक सिगरेट वाला कहाँ है, ये हम लोग पढ़ते थे नहीं। एक थोड़ा सा इसमें टेक्सटाइल में देखेंगे, टोबैको में देखेंगे, वुड वगैरह छोड़ दिए, मिनरल वगैरह का कुछ होता नहीं, अदर फॉरेस्ट बेस्ड होता है, राइस पल्स फ्लावर्स मिल्स, जूट का है वो देख लीजिए, शुगर का देख लीजिए, ठीक है। रेल फैक्ट्री वगैरह तो आपको पता ही है कहाँ रेल का कोच है, एक एक, एक लाइन का आंसर है, इसमें कुछ नहीं देखना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव नहीं पढ़ना है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ स्टेट ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस इतना ही सेक्शन आपको इसमें से कवर करना है, ये मेन तो यहाँ छुपा हुआ है, देखिए छुपा हुआ चीज़ है वो यहाँ है। अब चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा और क्वेश्चन आएंगे ही, वो सेक्शन आप चलते हैं, पॉवर्टी, ठीक है। परसेंटेज कब कितना रहा, अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं देखना है, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज 100% इसको पढ़ना है, स्पेशली जो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक रूप से पर्सनालिटीज हैं जिनका जिस भी कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐतिहासिक है, साहित्यिक रूप से, खेल के लिए, ठीक है ना। पैरालंपिक में किसको मिला गोल्ड मेडल, क्या बोला, प्रमोद भगत भी है ना पैरालंपिक, प्रमोद भगत को मिला है गोल्ड, हाँ अभी मिला। तो प्रमोद भगत का नाम याद रखिएगा, वो क्वेश्चन आउट है, वो आएगा, ठीक है। खेल के लिए उनको जो दिया गया अवार्ड वो भी, और पहले से पैरालंपिक में गोल्ड लिए हैं, वो हाजीपुर के रहने वाले हैं, ठीक है, हाँ बस ठीक है। वो तो लोग बोलता है ना, जैसे बिहार शरीफ घर है तो नालंदा समझ ले, बेतिया मतलब पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी मतलब पूर्वी चंपारण, है कि नहीं, तो मैं इसलिए बोल रहा था वैशाली, लेकिन है घर हाजीपुर में, ठीक है। उसी तरीके से आता है टूरिज्म इन बिहार, ये क्वेश्चन आएगा, इसमें से क्वेश्चन जो है गया बोध गया वैशाली से लेकर जितना भी एरिया है केसरिया से लेकर सब जगह से क्वेश्चन की संभावना सासाराम, ये क्वेश्चन का देख लीजिएगा, टूरिज्म इन बिहार जो है वो देखिएगा। आपको पता होगा कि सबसे अधिक टूरिस्ट कहाँ आते हैं, पूरे इंडिया में सबसे अधिक टूरिस्ट आते हैं बिहार में, ठीक है। अब बताते हैं तमिलनाडु और उत्तराखंड छोड़िए, बता देते हैं, रुकता नहीं है, आता है या तो बनारस चला जाता है या कोलकाता चला जाता है या दिल्ली चला जाता है, आता है घूमता है चला जाता है। एक तो रिकॉर्डर अपने पास नहीं है, लेकिन सबसे अधिक टूरिस्ट आते हैं। यहाँ रुकने के लिए हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा या एक रूट बनाना होगा जहाँ से लोग आ जा सकते हैं, ठीक है। बाकी चूंकि रिकॉर्डेड है इसलिए तमिलनाडु उत्तराखंड वगैरह वगैरह स्टेट है, ठीक है। बट जो भी उनका महत्वपूर्ण है अपने यहाँ जो है, जैन से लेके हिंदूज हिंदुज्म बुद्धिज्म जैनिज्म सिख सिख, ठीक है, सभी के सभी धर्म का हमारे यहाँ है, और सभी लोग अलग अलग कंट्री से आते हैं। हमारा ऐसा है कि हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से भी लोग गए आते हैं, है ना, साउथ ईस्ट ही ना, सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्री, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्री से आते हैं, क्लियर है ना। तो ये आपको देखना है। अब आपको हम बताते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये जो वेरियस फैक्ट ऑफ बिहार है यही मैं बता रहा था, ठीक है, एट ए ग्लांस, शुरू में भी है और यहां भी दिया हुआ है, ये खूब अच्छे से पढ़ना है, फैक्ट जो है उससे प्रश्न जो है ज़्यादा पूछा जाएगा। बिहार स्पेशल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एक छोड़िए, या तो आप लोग कर लेंगे, बिहार बजट जो है एकदम अच्छे से करना है, ठीक है, एक और इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से करना है 2020-21 और बजट 2020-21, और उसके बाद जो है करेंट अफेयर्स आपके, मैंने बताए हैं जितनी ही पर्सनालिटी है बिहार से जुड़ा हुआ, बिहार से संबंधित जो भी चीज़ें घटनाएं हाल में घटी है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये इतने ही सेक्शन है जहां से बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके बुक्स अलग हो सकता है, लेकिन चैप्टर और जो फोकस एरिया है वो यही है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेना है, बिहार स्पेशल से कम 20-30% तक क्वेश्चन रिपीट होगा, हो सकता है 40% क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन रिपीट होना है होना है। क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मिल नहीं सकता है, बिहार में जितना हो सकता है उतना ही होगा, ठीक है। तो ये आपका बिहार स्पेशल 30-35 क्वेश्चन का प्रिपरेशन का एरिया था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इससे संबंधित अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक बार मैप जो है अपने स्टडी रूम में रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैप जो है स्टडी रूम में रख लीजिएगा। और बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है अब वहाँ पे जाके आप लोग काउंट करते रहिएगा तो पता चलेगा कि भूल गए। सिक्किम पे टच नहीं करता है, ठीक है ना। ये वेस्ट बंगाल है, नेपाल हमारा राज्य नहीं है, ठीक है। झारखंड से कौन कौन सा जिला टच करता है, बिहार का कौन सा राज्य है जो झारखंड के मैक्सिमम बॉर्डर बनाता है। उसी तरीके से क्वेश्चन आपको याद करना है, एक दूसरे से पूछना है। और बिहार स्पेशल की तैयारी जो है वो पीयर लर्निंग, पीयर ग्रुप लर्निंग करनी होगी। पीयर लर्निंग से ही होगा, ग्रुप में पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग बिहार स्पेशल की तैयारी हमेशा ग्रुप में करिएगा, और तैयारी करने का परफेक्ट टाइम अभी है। इसकी पूरी तैयारी को अगर देखेंगे कितने दिन में डिवाइड करना चाहिए, तो इसको अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम 10 डेज में आपको करना है, ठीक है। 10 डेज में से हिस्ट्री के लिए निकालिए 3 दिन, ठीक है, हिस्ट्री के लिए 3 दिन, ज्योग्राफी के लिए 2 दिन, ओके। उसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमी दोनों के लिए 2 दिन निकालिए, ठीक है। और बिहार का पूरा जो है समग्र रूप से देखने के लिए, जैसे उसके सेंसस, इम्पोर्टेंट फैक्ट, बजट, सर्वे, ठीक है, उसके लिए आप निकाल दीजिए 3 दिन, ठीक है। टोटल मिला के 10 डेज में आपकी हो जानी चाहिए रिवीजन। ये तैयारी आपको अभी इसलिए मैं करने के लिए कर रहा हूँ कि अंतिम समय में आप हड़बड़ी में होंगे, जल्दी में होंगे, फैक्ट भूल जाएंगे, याद नहीं होगा, बहुत सारी समस्याएँ आएगी, वो लास्ट टाइम में रिवीजन करना है, ठीक है। लेकिन अभी जो है अभी प्रिपरेशन इसकी पूरी कर देनी है, इसमें टाइम नहीं लेना है। अच्छा यही है कि एटलीस्ट 2 घंटे का समय देकर फैक्ट को याद करें और 1 घंटे में हम लोग डिस्कशन कर लें, ठीक है। जहाँ भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं, वो हो सकता है कि व्हाट्सअप 8 लोग जुड़ते हैं कॉल पर, लेकिन 8 लोग नहीं, 4 से ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा, 3 या 4 से ज़्यादा, ज़्यादा जोगी मठु जारू, 8 लोग रहेगा कुछ पढ़ाई नहीं होगा, 3 से 4 लोगों का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 3 से 4 लोग, ठीक है। उसी में पूछताछ करना है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि हर फैक्ट, हर चीज़ आप सबको याद हो जाएगा, चारों का लेवल जो है बहुत दूसरे से अच्छा होगा, उन चारों का लेवल दूसरे से अच्छा होगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेपरेट पढ़ाई करने से अच्छा है कि एक साथ मिल के ग्रुप में पढ़ाई करेंगे, उससे ज़्यादा आपका रिजल्ट जो है बेटर हो पाएगा। जो चीज़ें आपको याद नहीं होती है, जो समझ में नहीं आती है, ऑलवेज उसको ग्रुप में पढ़ाई करनी, तब आपका जो है प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। याद करना तो समझिए कि अगर प्रेशर आ जाएगा कि शाम में पूछा जाएगा और शाम में जो है कुछ इनाम मिलेगा, कुछ पनिशमेंट होगा, तो सब याद हो जाएगा। इसको कहते हैं फियर, डर से याद करना। एक प्रेशर एग्जाम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रेशर एग्जाम का नहीं रहेगा तो तैयारी आप लोगों की अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसीलिए प्रेशर का होना बहुत जरूरी है। प्रेशर में क्या होता है कि 2 तरह का जो है सो माइंड हमारा काम करता है, एक जो है हम यहाँ पे होते हैं और एक अप लेवल होता है, ठीक है ना। ये ऑप्टिमम पॉइंट है, ये यहाँ तक का जो प्रेशर है ये हमारी तैयारी को बेटर बनाता है। लेकिन ओवर प्रेशर,
रात के 3 बजे नींद खुली और लगा कि यार ये सब याद नहीं है, ये नहीं हुआ तो, और सुबह के 6 बज गए, ठीक है, और 6 बजे से फिर सोए, 9 बजे उठे। क्लियर? ऐसा नहीं होता है, होता है रात में नींद खुल गई या नहीं पढ़ाई हुआ है, पसीने पसीने हो गए, बहुत सारा टेंशन हो गया एग्जाम का, अब तो बचा हुआ 60 दिन है, अब क्या करना है, उसको कहते हैं इससे नीचे की तरफ डाउन होना प्रेशर। यहाँ से आपका अवनति शुरू होता है, प्रेशर का वो लेवल जिससे कि आप झेल सकते हैं और आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करता है, वो प्रेशर बहुत ज़रूरी है। 2 तरह का है, कुछ लोग है बिल्कुल प्रेशर ही नहीं लेते हैं, इसका मतलब उनको एग्ज़ाम पास नहीं करना है। कुछ लोग हैं जो प्रेशर लेते हैं, नहीं एग्ज़ाम पास करना है, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो खूब प्रेशर लेते हैं, ठीक है, और खूब पढ़ाई करते हैं, मत उनका भी ये इस लेवल पे है जहाँ रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। ये लेवल होना चाहिए आपके प्रेशर का जहाँ से आपकी रिजल्ट होगी। तो एक जो है दूसरी बात है, स्टडी और तैयारी के दरमियान आपको बार बार जो है वो प्रेशर आएगा, बार बार आपको टेंशन होगा, बार बार आपको तनाव होगा, ठीक है। इस तनाव को कम करने का स्ट्रेस मैनेजमेंट यह है कि आपको स्टडी के बीच में हमेशा गैप रखना है, 2 घंटे पढ़े थोड़ा देर गैप, 2 घंटा पढ़े 15 मिनट गैप, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो फ्रेंड से मोबाइल पे बात करना चाहिए, ठीक है, या रूम विजिट करना चाहिए, बैठ के ग्रुप में पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको किसी भी हालत में इस लेवल से ऊपर के टेंशन में नहीं जाना है, उसका 2 साइड इफ़ेक्ट, एक तो रिजल्ट नहीं होगा, दूसरा आपका हेल्थ जो है डाउन हो जाएगा, डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसीलिए एक लेवल के ऊपर प्रेशर में नहीं जाना है, एक लेवल तक जाना है और उसी लेवल तक अपनी तैयारी को मुकम्मल करनी है, तैयारी को परफेक्टनेस की तरफ ले जाना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर का होना अत्यावश्यक है प्रिपरेशन के लिए। 10 डेज का हमने दिया है तो 10 डेज में करना है, बिहार स्पेशल 10 डेज में आपको रिवीजन करनी है, और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। हम लोग जब दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम देते थे, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, जब ग्रेजुएशन में थे, बस 1-2 साल ही हुआ था, तो रेलवे में ट्रेन में ही हम लोग जो है सो एक दूसरे से पूछते पूछते पूरा उस स्टेट का पूरा याद हो जाता था, और अच्छा रिजल्ट हमेशा होता रहा। तो ये सब एक फ़ायदा है कि ग्रुप में, अच्छा दूसरा है कि करेंट में भी आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्लास में और कौन सा सेक्शन पढ़ना है। तो इस बीच में आपके पास 7 दिन समय बचा है, 7 दिन इसको करिए, और ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 घंटा पढ़िए और फिर 1 घंटा एटलीस्ट जो है पूछताछ करिए, 1 घंटा का पूछताछ से आपकी पूरी स्टडी होती चली जाएगी, ठीक है। बेटर वे यही होगा कि आप एक ही बुक्स को पढ़िए, एक बुक से पूछताछ करिएगा तो याद रहेगा कहाँ पर कौन सा चीज़ है, उसको हटाइए, अगर आपके पास समय है, 4 लोग पढ़ रहे हैं, 3 लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा बुक से शुरू करिए, उसमें से पढ़िए, और उसको हमेशा अंडरलाइनिंग जरूरी है, ठीक है, अंडरलाइनिंग करिए, गोल करिए, इम्पोर्टेंट चीज़ों को उसी बुक में लिखिए, मैप, डायग्राम, मैप दिमाग वगैरह में आपका होना चाहिए। अब बिहार पे जोर इसलिए मैं दे रहा हूँ, सभी की तैयारी जो है लगभग ऑलमोस्ट सेम रहता है। रिजल्ट दिलाता है 2 चीज़ें, एक दिलाता है बिहार स्पेशल और दूसरा है करेंट, ये 2 ही आपको लीड करवाता है दूसरे से, बाकी सब में लोग बराबर लगभग होता है। इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि बिहार स्पेशल करेंट को करिएगा, आप एग्जाम देते रहे हैं पहले से, आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसको इग्नोर करते हैं लोग और सबसे बाद में तैयारी करते हैं इसका, ये सबसे खराब है। करेंट अभी जनवरी से लेकर 2021 के जनवरी से लेकर अब तक के करेंट पे अभी से तैयारी शुरू करने दी जाए, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ऑथेंटिक मैगजीन्स है उसी में पढ़िए, उसी में लिखिए, उसी में करिए। बहुत सारे लोग नोट्स बना के अपना टाइम किल कर रहे हैं, अभी नोट्स बना के टाइम किल कर रहे हैं ना, टाइम नहीं किल करना है, नोट्स नहीं बनानी है, जितना देर में आप लिखेंगे सुबह से शाम तक उतना में तो 200-100 पेज खत्म हो चुका होगा, आप 5 पेज को लिखते रहिएगा, 5 ही पेज खत्म होगा, तब पता चलेगा 1 महीना तक बिहार स्पेशल चल रहा है और फिर याद कुछ नहीं हुआ, शुरू का पूछेगा भूल गए, अभी लिख रहे थे वो याद है, पीछे वाला गायब है सब। इसीलिए अभी ना नोट्स बनाने का समय है, ना लिखने का समय है, बिल्कुल खाली याद करने का समय है, और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने के लिए एक दूसरे से पूछताछ करिए, पॉकेट डायरी रखिए, पॉकेट में रखिए जो चीज़ याद नहीं हुई, स्टडी रूम में रखिए, जो जब सबसे अधिक डिफिकल्ट लग रहा है उस पर डिस्कस करिए, कोई भी ना कोई जो है आपको इजी तरीके से बता देगा। और आप लोगों को टेस्ट जो है हर संडे का होता है, आपको टेस्ट देना चाहिए सभी को। टेस्ट से 2 तरह के आइडिया जाते हैं कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, ये नहीं समझना है कि अरे अभी तक 90 आ गया, 85 आ गया, 80 आ गया, 70 ही आ रहा है, टफ होगा क्वेश्चन 70 ही आएगा, ईजी होगा क्वेश्चन 90 आएगा, और ईजी होगा 100 आएगा, इस पर फोकस नहीं करना है। लेकिन
ये पता होना चाहिए कि 25 क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी से, तो मेरा कितना अटैम्प्ट लिया, कितना अटैम्प्ट सब ले रहे हैं, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। अगर बिहार का पूछा क्वेश्चन पूछा कितना सही कितना गलत कितना, वो आप इवेल्युएट करिए घर पे या खुद से देखिए, एनालाइज करिए, तो आइडिया मिलेगा कि कौन कौन सा सेक्शन हमारा वीक है और उस सब्जेक्ट में भी कौन सा चैप्टर हमारा वीक है जिससे मेरा क्वेश्चन नहीं बनता है या गलत करते हैं या आप कुछ आइडिया नहीं मिलता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।